उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसके तहत समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट में सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाज सेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई, 2 उप समितियां बनाई जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए।